अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। ले जी फाजा हाजिर हो चुका है लेके आपके लिए एक और नई वीडियो और नया व्लॉग। तो यार सीन ऐसे कि घर का काम हो चुका है स्टार्ट और सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता कर लिया क्योंकि काम वगैरह होते हैं थोड़े से करने वाले। तो यार मैं ये कहता हूँ कि जो लोग नए इस चैनल पर नए आए वो यार इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन होगा उसे लाजमी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और व्लॉग जो आप लोग इसी तरह इंजॉय करते रहे। और यार इसी के साथ फिलहाल सीन ये है कि मैं ईंटों वालों को वेट कर रहा हूँ कि ईंटों वाले आए क्योंकि उसे कॉल करूँ, उसने मुझे कहा कि मैं पहुंचने वाला हूँ, तब देखें वो कितनी देर में पहुंचता है, इसलिए मैंने पहले रेडी हो चुका। तो मैं ये कहता हूं कि इस सारे सीन को स्टार्ट करने के लिए मैं ये कहता हूं कि हम शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। यार व्लॉग की जल्दी में ये देख ही नहीं, देखना आपके भाई ने कितनी फैंसी चप्पल पहनी हुई है। यार मेरे वो शूज पड़े हुए हैं, अभी वो पहनने हैं, सॉक्स अंदर हैं, वो लेते हैं और ये शूज पहनते हैं पहले। ले जी बूट वगैरह पहन लिए हैं और अब मैंने ढूंढनी है अपनी बेल्ट क्योंकि यार मेरी पैंट लटक रही रहती है बार बार और बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगती है यार, तो बेल्ट ढूंढते हैं चल के। ना मान अच्छा जी बेल्ट क्या यार ढूंढनी है, बेल्ट ढूंढने लगा था तो ऊपर से आ गए हैं वो जिन्होंने ग्रिल वगैरह ऊपर से उतारनी है ना वो आ गए मजदूर, तो मैं बाहर आ गया, मैंने लेनी मिर्जा साहब से सीढ़ी क्योंकि उन्होंने ऊपर चढ़ के ग्रिल उतारनी है हमारी। ये रही यार अपनी सीढ़ी और ये रहे अपने मिर्जा साहब। मिर्जा साहब हमें ना आपसे की सीढ़ी उतारी चाहिए, मिल सकती है? नहीं चले, किराया कितना लेंगे, कितने मिनट किराया लेंगे? आपने पता नहीं कितने मिनट रखनी है, मुझे क्या पता। चलें कोई दो चार घंटे जितने हैं, कोई यार गुंजाइश कर लें थोड़ी सी, देख लें जितना जायज बनता हुआ वो देख लो। यार ये सीढ़ी है मिर्जा साहब, यार आपने ऑडियंस के सामने कैसी बात कर, पैसे आपने खुद मुझे पैसे की बात कर दी, मैंने आपको मना कर दिया। चलें जी ठीक हो गया, मेरी अपनी सीढ़ी होगी, ठीक हो गया, डन हो गया। चलो यार सीढ़ी उठाते हैं बाहर चलते। नहीं नहीं मिर्जा साहब खतरनाक बात शुरू कर दी, लगी है। यार काम हो गया स्टार्ट, ठीक है मजदूर आ गए मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा पहले और मुझे अभी तक मेरी बेल्ट नहीं मिल रही यार। शोरूम में मैंने देखा ऊपर आगे सारा देखा नहीं है, खैर अब नीचे चलते हैं क्योंकि काम शुरू उनके सार पर खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं गिरने लगा था आज यार, ग्रिल पर इधर लगे मैं अंदर यार और बाहर जो है ना ईंटों वाले हाजिर हो चुके हैं। टाइलों उतर रख देना अभी, पहला तो वक्त नहीं रख दे उत्ते। हाँ जी ये सुबह रख गए थे और यार थोड़ी सी रह गई, ये रखने लगे हैं। ये ग्रिल ऊपर थी वो उतार ली इन्होंने और अब ये जो जाली है ना ग्रिल सी ये भी इन्होंने तार के नीचे रख लेनी है। बस काम स्पीड स्पीड शुरू हो गया, अंदर के सीन ये चाह रहे हैं यार। ग्रिल भी उतर आई है, ये टी आर एन ए से कहते हैं, ये गार्डर सा जो होता है ये भी उतार के उन्होंने रख दिया, कुर्सी भी तोड़ छोड़ दी अगला ने और ये ग्रिल अब बस ये रह गई फाइनल, ये उतार के नीचे रख देनी है। ये राय साहब हमारे भी फार्म में आ चुके हैं जी, ये उतारने तारे छारे ऊपर से। चलो जी यार ग्रिल भी उतर गई है, ए ध्यान ना जी वेख के आ जाओ ध्यान ना ध्यान ना। चलो जी ये भी उतर आई फाइनली, यार ये भी काम खत्म हो गया, अब दीवार सारी होगी साफ सुथरी अपने ऊपर से। ये ग्रिल श्रिल वाला अपना काम हो गया बिल्कुल फाइनल, ये टी आर एन आ गया नीचे और इसका अब ये एक दबी भी है इधर नीचे, इसी तरह का रॉड है इधर अंदर, ये इस तरह का ये अब निकालना है, वो कोशिश कर रहे हैं। चाचा ता मोहम्मद हमारे फुल फार्म में इस टाइम, चाचा ता मोहम्मद पढ़ देनी यार शायद तो यार ये उन्होंने कोशिश बड़ी की है लेकिन ये जो है ना सीमेंट और बजरी और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल के नीचे है, तो मेहनत उन्होंने काफ़ी की है लेकिन उनसे ये नहीं निकल रहा, तो ये फैसला हो गया इसके ऊपर ही सीमेंट डाल के इसे काट देंगे बांध। हालांकि ये जो रॉड है ना इस तरह का ये टी आर एन से कहते हैं, ये इसके अंदर ये है, ये पट्टी नज़र आ रही होगी आपको और ये कम से कम 3-4 हज़ार का होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं इसके ऊपर सीमेंट आ जाएगा और ये फर्ज यहाँ से हो जाएगा क्लीन। चाचा ता मोहम्मद टी आर एन निकलिया नहीं थोड़े को फिर है चलो जी मजदूर ही फाइनली टोर गए। ये गांधा हो गया साइड पे अपना,
ये काम हो गया, पहले ना दीवारें वगैरह बनेगी ना, उसके बाद ये ग्रिल दोबारा बनेगी, क्योंकि ये दीवारें ऊपर लेके जानी है, पिलर बनाने हैं, तो वो बनेगा तो आप लोग देख लेना। लेकिन फिलहाल काम शाम हो गया और ये सीढ़ी जो है मिर्जा साहब की उन्हें वापस करनी है, लेकिन उससे पहले ना दरवाज़ा खोल लेते हैं, क्योंकि दरवाज़ा जो है ना फिर लॉक हो जाता है। ये ऐसे और इसको ऐसे, अब उठाते हैं सीढ़ी। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर। वेख के लो जी, मिर्जा साहब को सीढ़ी वगैरह कर दिए वापस और अब मैं जा रहा हूँ घर। और इसके साथ कोई सफाई वगैरह करने वाली होनी, वो भी जैसी बात मैंने करनी है। तो यार ले जी वापस आ चुका मैं अपने रूम में। मैं आपको बताता चलूं यार, देखने में ये काम जितने आसान लगते हैं इतने बिल्कुल भी नहीं है यार, ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। और काम शुरू करवाने से पहले मैंने जितना सोचा था कि ये काम यार इजी है, भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। हालांकि काम मजदूरों ने करना होता, लेकिन फिर भी आपकी एफर्ट साथ साथ लग रही होती है। चलो कोई जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सबक सिखाती है। मुझे इस दफा ये समझ आ गया कि भाई मजदूरों से काम करवाना भी मजदूरी जितने ही मेहनत वाला काम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात यह कि ऐसा ऐसा काम हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं और साथ साथ थोड़े थोड़े वाइंड अप होते जा रहे हैं। और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, इसलिए यार अभी मुझे लगी हुई बहुत जोरों की भूख और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि यहीं पर करते हैं खत्म। कल आपके लिए कोई नई स्टोरी, कोई नया व्लॉग कोशिश करेंगे, जो रूटीन होती है यार आपको दिखाता हूं। जाने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी लोग इस चैनल पे मौजूद है वो इस व्लॉग को शेयर कर दिया करें यार, सब्सक्राइबर आज माहौल बन जाता थोड़ा सा। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। आपको फायदा मिलेगा कल आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए दे मुझे इजाजत, मैं हूं तुम फरार, मिलता आप लोगों का फायदा आपका नए ब्लॉग के साथ।